विंडोज 11 बीटा वर्जन का मुझे अपडेट आ चुका है मेरे टफ A15 में, क्योंकि इसके अंदर मैंने ज्वाइन किया था विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम, जिसके अंदर मैंने सेलेक्ट किया था डेवलपर चैनल, तो मुझे अपडेट मिल चुका है आज। तो कितने GB का अपडेट है ये तो यहाँ पे शो नहीं कर रहे, तो अगर मैं अपना अंदाजा लगाऊँ तो 2 से 3 GB का अपडेट होने वाला है ये। तो कर लेते हैं डाउनलोड इसे, फिर इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं कहीं डाटा लॉस वगैरह तो नहीं होता। देखो डाटा वगैरह इतना कुछ इंस्टॉल है, तो कर लेते हैं डाउनलोड फिर इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉलेशन भी आपको मैं दिखा दूंगा कैसे अपडेट होगा ये। तो अभी डाउनलोड हो रहा है, एक बार डाउनलोड हो जाए, जब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो गाइस अपडेट डाउनलोड हो चुका है एंड उसके बाद थोड़ा सा इंस्टॉल होता है वो भी हो चुका है, बस रीस्टार्ट करना बाकी है। लेकिन उससे पहले ये चीज़ ज़रूरी है बैटरी पे इंस्टॉल किया तो बैटरी ख़त्म हो जाएगी, डेड हो जाएगी, मतलब डाउन हो जाएगी क्योंकि लोड ज़्यादा लेगा। तो अब मैं कर रहा हूँ रिस्टार्ट, तो यहाँ पे अब देखते हैं कितना टाइम लगाता है। टाइम तो लगाएगा क्योंकि जब विंडोज़ 10 का भी अपडेट आया था ना प्रीव्यू में, तो उसमें भी हमें आधे फीचर्स मिले थे, मतलब जो आइकन्स वगैरह थे वो विंडोज़ 11 वाले हो चुके थे, तो उसमें भी इंस्टॉल होने में टाइम लगा था और इसमें भी लगेगा। तो ये स्टार्टिंग तो बड़ी फास्ट हो गई है, लेकिन अभी जो रिस्टार्ट होगा उसके बाद थोड़ा टाइम लगाएगा, तो मैं भी शायद फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ, कट कर दूँ। तो अभी तो ये रिस्टार्ट हो रहा है A15 या 1650 Ti वाला Ryzen 5। एंड कैसे बीटा अपडेट पाना है आपको, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई है, उसका बटन मतलब लिंक, वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो वो देख लेना। लेकिन उसके अंदर मैंने दिखाया था कि आप बीटा चैनल ज्वाइन करो, मतलब बीटा चैनल ही था जो कि रिकमेंडेड था उसमें लिखा हुआ था, लेकिन उसमें अपडेट थोड़ा लेट आना है। तो उसके बाद मैं डेवलपर चैनल ज्वाइन किया जिसके अंदर अपडेट थोड़ा जल्दी आ गया, अभी 3-4 दिन पहले वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पे अब टाइम लगने वाला है, तो बता दूंगा आपको कितना टाइम लगा। अभी जो टाइम हो रहा है 10:09 सुबह के, तो अभी तो 0 पे ही है ये, चलो 1% हो गया है। तो अब मैं पॉज कर देता हूँ, सेकंड भी हो गया है, 2% हो गया, 3 हो गया। एंड बाई चांस अगर आपका अपडेट अटक जाए, स्टक हो जाए स्क्रीन, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको बटन दबा कर रखना पावर वाला, आपको लैपटॉप को डायरेक्ट बंद कर देना, उसके बाद वो ऑटोमेटिक रिपेयर कर लेगा विंडो को एंड आपकी स्टार्ट हो जाएगी, रिपेयर हो जाती है। कोई कोई ज़्यादा अगर किस्मत ख़राब है आपकी तो रिपेयर भी नहीं होती फिर। मेरी वैसे जब मैंने पिछला जो अपडेट किया था ना उसके अंदर हो गया था मेरा स्टक, क्योंकि मॉनिटर कनेक्ट किया हुआ था मैंने साथ में तो उसकी तार वगैरह डिसकनेक्ट करके दोबारा इंस्टॉल किया मैंने अपडेट। चलो मैं अब पॉज कर देता हूँ। तो फर्स्ट बूट हो रहा है विंडोज़ 11 का, देखते हैं डाटा वगैरह तो नहीं उड़ गया मेरा तो टाइम बताता हूँ कितना लगा। 10:09 पे मैंने चालू किया था, तो 10:27 हो चुके हैं अभी, लगा लेना साहब जल्दी हो, फ्यू मिनट्स वेट करना पड़ेगा। अब ये फ्यू मिनट्स कितने होते हैं पता नहीं 1-2 मिनट भी हो सकते हैं, 5 मिनट भी हो सकते हैं, अगर इंडियन है तो 5 मिनट या 10 मिनट, अगर टाइम का पक्का है तो 1-2 मिनट। वैसे इंस्टॉल होते समय 40 पे जाके एक बार हुआ था, नहीं 30 पे हुआ था, 30 पे रिस्टार्ट हुआ था एंड उसके बाद 40 पे स्क्रीन ब्लिंक हुई थी, गूगल ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल हो जाएगा डिस्प्ले का। उसके बाद जाके 60 पे आई थिंक रिस्टार्ट हुआ था, 30 तक तो टाइम लगा था इंस्टॉल होने में एंड, लेकिन उसके बाद फास्ट इंस्टॉल हो गया था 30 के बाद, ऑलमोस्ट देयर। ओहो शुगर है, डाटा तो नहीं उड़ा आइकन्स वगैरह देखो कैसे चेंज हो गए, वाईफाई खोले ओल
ये तो देखो लीग वर्जन में ऐसा नहीं था ना, ये स्टफ चेंज कर दिया उन्होंने, लीग में ऐसा नहीं था ना। हाँ ये तो वैसा ही है, तो ये ब्लैक थीम तो मैं पहले से यूज़ कर रहा हूँ, डार्क मोड। तो ये रहा दिस पीसी, एंड एक्टिवेट है या नहीं है देख लेते हैं। एक्टिवेट तो होनी है क्योंकि ओएम की डली हुई है लैपटॉप में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। चाहे मैं लैपटॉप रीसेट मारूं, कुछ मर्जी करूं, ओएम की तो मदरबोर्ड के अंदर रहती है, विंडोज़ कोई भी डाल लूँ तो इंस्टॉल हो जाएगी अपने आप। 10 या 11 7 तो हो जाएगी इंस्टॉल अब। तो एक्टिवेट है देखो, तो कर लेना आपको भी करना हो, लेकिन अभी बग्स वगैरह होंगे तो स्टेबल अपडेट का वेट कर लो, नहीं तो ठीक है। फिर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना यार। बाय बाय।